In ninth class, you have already gone through the concept of scalar and vector. There are two types of quantities, which are scalar and vector. Now, vectors are defined as the quantities which are having what? Which are having magnitude as well as direction. इसमें क्या होता है? इसमें दोनों चीजें होती हैं. Magnitude भी होगा और साथ में direction भी होगा. Direction specific quantities जितनी भी होती हैं वो सारी क्या होती हैं? Vectors कहलाती हैं. ठीक है? जबकि scalars में क्या होता था? केवल मैग्नीट्यूड होता था, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता था. सो वेक्टर्स पे हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि वेक्टर्स के बाद हमें मोशन इन टू डायमेंशन पे जाना है. सो हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. वेक्टर्स आपको पता चला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है. अब अगर एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, जब भी किसी भी क्वांटिटी को, सपोज ए एक कोई स्केलर क्वांटिटी है, हमने कहा कि ए कोई एक स्केलर क्वांटिटी है. अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका क्या रहेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा. लेकिन क्योंकि अब इसे हमें वेक्टर बनाना है तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट विद अ एरो. जब ये स्केलर के ऊपर एरो हेड लग जाता है उसे हम कहते हैं कि अब ये क्वांटिटी कैसी हो गई? अब ये क्वांटिटी आपकी बन गई है वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है? सो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमने क्या यूज किया? हमने एक एरो भी यूज किया. तो ये एरो जो होता है, ये जो एरो है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? एक वेक्टर को. जो भी इस एरो की लेंथ होगी, आई रिपीट, जो भी इस एरो की लेंथ होगी वो लेंथ कहलाती है मैग्नीट्यूड. ठीक है? वो कहलाती है मैग्नीट्यूड. और जिस तरफ इस एरो का ये हेड जा रहा होगा, इस एरो के दो पार्ट होते हैं, दिस इज नोन एज द टेल और इसे हम कहते हैं हेड. तो जिस तरफ हेड जा रहा होता है, जिस डायरेक्शन में हेड होता है, उस डायरेक्शन में ही आपका वेक्टर अलाइन होता है. यानी कि उसी डायरेक्शन में वेक्टर को हम कहते हैं कि मूव कर रहा है, या व्हीकल है तो मूव कर रहा है. सपोज अगर मैं एक व्हीकल की बात करूं, लेट्स से आई एम हैविंग दिस मॉडल ऑफ कार. सो अगर इस कार को मैं कहूं कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये एरो हेड इस डायरेक्शन में बना, यानी कि ये कार मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ स्पीड से मूव कर रही होगी, यानी मैग्नीट्यूड हो गया. और अब डायरेक्शन स्पेसिफिक हो गई कि एरो जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मूव कर रही, तो इसलिए क्या हो गई? इट बिकम्स वेक्टर. सो वेक्टर क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके दो पार्ट हैं, हेड एंड टेल, एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर, द लेंथ ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. ओके, नाउ ये तो आपको एक जनरल नोटेशन होगी वेक्टर की, और आपको पता है वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है. अब हम वेक्टर के टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं. लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की. टाइप्स कितने तरीके के होते हैं? वेक्टर देखिए हमारे 10 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, जिन्हें हमने क्लासिफाई किया हुआ है. कौन कौन से हैं? जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर. ये 10 टाइप के वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, और वन बाय वन हम इनको समझेंगे कि ये कैसे हमने क्लासिफिकेशन किया है, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ है. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो वेक्टर की. तो जैसा कि ये वर्ड बता रहा है जीरो, अब ये सारे वेक्टर हैं, तो सारे वेक्टर्स हैं तो इनके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीरो वेक्टर की. तो जीरो वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर एक ऐसा स्पेशल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है. कितना होता है? जीरो होता है. जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर एक वेक्टर ये बना देता हूं, जनरली अगर रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, तो ये मान लीजिए आपका हो गया इनिशियल पॉइंट ए, ओके, और ये हो गया फाइनल पॉइंट बी. तो अब जीरो वेक्टर के केस में क्या होगा कि ये ए और बी क्या होंगे? ये ए और बी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे. ठीक है? ए और बी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे, कि जहां पर ए है उसी के ऊपर बी होगा, तभी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इट विल बी जीरो. सो इन दैट केस, इन सच अ वेक्टर इज नोन एज जीरो वेक्टर. मींस जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड विल बी जीरो. ओके, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज यूनिट वेक्टर. अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है. आप अपने रूम के कॉर्नर को अगर देखें तो आपको क्या लगता है? 3D स्पेस दिखेगा. 3D स्पेस मींस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको दिखती है. कैसी? ऐसी कुछ. कॉर्नर आप अपने रूम का देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें आप मानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है, और ये जो कॉर्नर पड़ता है इसे हम कहते हैं ओरिजिन. ओके, सो अब इस 3D स्पेस में, जैसे ये कॉर्नर अगर मैं ले रूम का, तो ये मार्कर अगर मान लीजिए इसका ये कैप हेड दिखा रहा है और ये बैक साइड इसकी टेल दिखा रहा है, तो ये कहीं भी रोटेट कर सकता है. स्पेशल अरेंजमेंट में ये फ्री टू रोटेट. जब ये फ्री टू रोटेट है तो कहीं भी मूव कर सकता है. अब यूनिट वेक्टर जो है आपका, उसमें वर्ड देखिए क्या है. वर्ड है यूनिट, और यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है वन. ठीक है? तो ऐसा वेक्टर जो कि या तो एक्स एक्सिस पर हो, या वाई एक्सिस पर हो, या जेड एक्सिस पर हो, या किसी भी स्पेशल अरेंजमेंट में हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो,
उसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यानी कि मैग्नीट्यूड वन यूनिट हो, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी हो, लेकिन वन होना चाहिए, वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वन। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो और डायरेक्शन या तो एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो या जेड एक्सिस में हो या किसी भी एक्सिस में हो, उस तरीके का वेक्टर क्या कहलाता है, वो वेक्टर आपका कहलाता है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज अगर यहां पर हम ले लेते हैं ये एक्स एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर है उसे हमने कहा ए एक्स कैप, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स कैप से। और ए एक्स कैप आपका क्या होता है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ना कोई वेक्टर लाई कर रहा होगा, सपोज ए वेक्टर लाई कर रहा है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ये आपका बनता है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आप वाई के लिए लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज वाई एक्सिस पे आपका ये वेक्टर जा रहा है, इसे हम लोग बी वेक्टर कह देते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, इट विल बी बी वाई वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर है क्योंकि, तो यूनिट वेक्टर में कभी भी एरो नहीं लगाएंगे, उसमें हमेशा हम कैप लगाते हैं, ठीक है। बी वाई कैप विल बी इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वी वेक्टर। मॉड ऑफ वी वेक्टर का मतलब हो गया कि हम इस पे बात कर रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जब मॉड लगाते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, नॉर्मली हम वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाएंगे यूनिट वेक्टर। इस तरीके से आप जेड एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं, किसी पर भी कंप्यूट कर सकते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, दीज आर नोन एज यूनिट वेक्टर्स। ओके, सो दो वेक्टर्स हम लोगों ने समझ लिए, हम लोग तीसरे की बात करते हैं, थर्ड इज योर पोजीशन वेक्टर। अब अभी इसी अरेंजमेंट को ले लेते हैं, ये जो स्पेशल अरेंजमेंट थी इसी को हम लोग ले लेते हैं। सो यहां पर अगर आप इसी स्पेशल अरेंजमेंट को देखेंगे तो क्या होगा, ये आपकी अरेंजमेंट है, ठीक है। अब ये आपका ओरिजिन है, इसे हमने क्या ले लिया, एज अ रेफरेंस ले लिया, इसे हम लोग ओरिजिन को हम लोग क्या ले लेते हैं, वी विल कंसीडर इट एज अवर रेफरेंस पॉइंट, इट विल बी अवर रेफरेंस पॉइंट। और मान लीजिए इससे थोड़ी डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट ए लाई कर रहा है, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये पॉइंट है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ओ से है, ओरिजिन से है। सो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, हमें एक वेक्टर मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है यानी मैग्नीट्यूड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है यानी डायरेक्शन, तो ये वेक्टर हो गया ना। इस वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, वी विल गिव इट एज ओ ए वेक्टर। हमने इसको क्या कहा, हमने इसे कहा ओ ए वेक्टर। तो ये ओ ए वेक्टर क्या है, ये ओ ए वेक्टर एक पर्टिकुलर पॉइंट ए की पोजिशन को डिफाइन कर रहा है, स्पेशियल अरेंजमेंट में ए पॉइंट की पोजिशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट पोजिशन वेक्टर। मीन्स पोजिशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज यूज टू डिफाइन अ पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 3D स्पेशियल अरेंजमेंट। आई होप 3 वेक्टर्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूविंग टू द को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब क्या होता है, देखिए जहां भी वर्ड कोम हो जाए, को वर्ड का मतलब हो जाता है सेम, को का मतलब हो जाता है सेम। तो यहां पर क्या है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा वेक्टर जो कि सेम जगह से जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं ये ब्लू मार्कर ले लूं और मैं ये रेड मार्कर ले लूं और अगर मैं इनको इस तरीके से डिजाइन कर लूं, तो अब देखिए ये टेल ये हेड, ये टेल ये हेड। अब ये क्या है, हेड तो अलग अलग है लेकिन दोनों की टेल आपस में कोइंसाइड कर रही है, यानी कि कैसा बन रहा है। अगर रेड वाले की बात करूं तो सपोज रेड वाला आपका ये वेक्टर बन रहा है, ठीक है, और ब्लू वाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्लू वाला आपका ये बन रहा है। यानी कि आप देखें तो हेड तो दोनों के अलग अलग है बट टेल दोनों की क्या है, टेल सेम है। सो वी कैन राइट इट एज ओ ए एंड बी। सो अगर आप ओ ए वेक्टर देखें या ओ बी वेक्टर देखें तो दोनों का जो इनिशिएशन पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज सेम, दैट इज कोइंसाइडिंग, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। तो ऐसे जितने भी वेक्टर्स होते हैं जिनका ओरिजिन पॉइंट या इनिशिएशन पॉइंट सेम होता है उसे हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज योर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, ये कंपैरिजन है दो वेक्टर्स के बीच में। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ये जिसे हमने कहा ए वेक्टर और एक वेक्टर है ये जिसे हमने कहा बी वेक्टर। अब आप देखिए बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों वेक्टर किस में, सेम डायरेक्शन में, तो क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं लाइक वेक्टर। अब यहीं पर अगर ये हो जाए कि ए वेक्टर आपका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाए, तो बी वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम बट डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो अब ये क्या हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे अनलाइक वेक्टर, ठीक है, अनलाइक वेक्टर। अगर दो लोग सेम जगह जा रहे हैं तो दे आर लाइक और अगला अलग जा रहे हैं तो दे आर अनलाइक। वही कंसेप्ट यहां पर एप्लीकेबल किया कि अगर सेम डायरेक्शन तो दे विल बी लाइक वेक्टर्स एंड इफ द डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर इट विल बी अनलाइक वेक्टर। ओके,
सो लाइक अनलाइक तक क्लियर हुआ. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने को प्लानर पे. यू कैन सी को प्लानर वेक्टर. नाउ को प्लानर इज व्हाट? इट इज अबाउट द प्लेन. ठीक है, आप अगर 3D एक्सिस की बात करते हैं, थ्री एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस इज देयर, वाई एक्सिस इज देयर, जेड एक्सिस देयर. अब देखिए, एक्स और वाई एक्सिस से मिलके जो प्लेन बना उसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन. वाई जेड से मिलके जो बनता है उसे हम वाई जेड कहते हैं, और एक्स और जेड से मिलके जो बनता है उसे हम एक्स जेड कहते हैं. तो अगर आप अपने रूम के कॉर्नर को देखें तो एक वॉल क्या हो गई? एक्स वाई हो गई, एक वॉल आपकी वाई जेड हो गई, और जो फ्लोर है वो आपकी क्या हो गई? एक्स जेड हो गई. अब अगर ये तीन वेक्टर है, मान लीजिए तीन मार्कर्स जो है, तीन वेक्टर्स हैं, अगर ये तीनों सेम प्लेन पर है, मतलब या तो ये वाई जेड पर हो, या तो ये एक्स वाई पर हो, या तो ये एक्स जेड पर हो, अगर ये सेम प्लेन पर है तो हम क्या कहेंगे? वी विल से दैट दीज आर को प्लानर वेक्टर. मींस को मींस सेम एंड प्लेन, प्लानर मींस प्लेन. देखिए, को मींस अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, सेम, और प्लानर जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज इंडिकेटिंग प्लेन. इट कुड बी एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, तीन में से कोई भी प्लेन. तो अगर कोई भी वेक्टर्स, दो या तीन या जितने भी वेक्टर्स हैं, वो सब अगर एक पर्टिकुलर प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं कोप्लानर वेक्टर. उन्हें हम कोप्लानर वेक्टर कहते हैं. कोलिनियर वेक्टर्स की, कोलिनियर वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं. इन्हें हम पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में लाई करते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. ठीक है, अब इसको देखिए तो ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे. या अगर आप इन्हें इस तरीके से ड्रॉ करना चाहें कि ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर, सेम डायरेक्शन में है, एक दूसरे से पैरेलल है, सो दे विल बी कोलिनियर वेक्टर्स. मींस दे आर इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर. ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इक्वल वेक्टर्स. अब दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें क्या हो जाए? सेम हो जाए, दोनों पैरामीटर सेम हो जाए. सो सपोज इफ ए वेक्टर इज देयर जिसका डायरेक्शन ये मान लीजिए नॉर्थ में है और इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, और हमने एक दूसरा वेक्टर बनाया बी वेक्टर जिसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? 5 यूनिट और डायरेक्शन नॉर्थ है. तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? दीज विल बी नोन एज इक्वल वेक्टर्स. और अगर ये सेम नहीं होता तो उससे हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट अनइक्वल वेक्टर. ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्वाइट सिंपल, ये सिंपल है, इसीलिए मैं इसको ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए, अगर हमारे पास कोई एक व्हीकल है, सपोज ये ए पॉइंट पर एक कोई व्हीकल है, ये हमारी कोई कार है ए पॉइंट पर, और ये मूव करके अप्रोच करके पहुंच जाती है कहां पर? बी पॉइंट पर पहुंच जाती. तो अब इस ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये ए बी होगा, और क्योंकि ए बी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी, यानी क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं तो यानी कि एक डायरेक्शन भी हो गया. सो वी कैन कॉल इट एज बी ए वेक्टर. फाइनल और इनिशियल को लेकर के बी ए वेक्टर हमने लिख दिया. सो ये बी ए वेक्टर क्या हो गया, या इसको आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा. इट विल बी ए बी वेक्टर. ठीक है, आपने इसे ए बी वेक्टर लिख दिया. तो अब ये ए बी वेक्टर कैसा वेक्टर? ए बी वेक्टर आपको क्या बता रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी बता रहा है. तो ये कैसा हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और क्योंकि इसे हम एक वेक्टर से इंडिकेट कर रहे हैं, सो इट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज नेगेटिव वेक्टर. अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर आपका होता है क्या? देखिए, अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है. कहां पर है? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अप्रोच कर रहा है, और इसकी यूनिट कितनी है? मान लीजिए 5 यूनिट का ये वेक्टर है. अब 5 यूनिट का मतलब सेम मैग्नीट्यूड का ही वेक्टर मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. ये ईस्ट की तरफ जा रहा था. अब सपोज बी वेक्टर मैंने दूसरा लिया जो कि क्या कर रहा है? वेस्ट में मूव कर रहा है. इट इज मूविंग टू द वेस्ट डायरेक्शन. तो यहां पर जो वेक्टर है उसमें आपने नोट किया क्या इंपॉर्टेंट चीज है? कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, ठीक है, बट डायरेक्शन दोनों की क्या है? जस्ट अपोजिट है. डायरेक्शन दोनों की जस्ट अपोजिट है. सो इन सच अ केस वी कैन राइट इट एज ए वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस बी वेक्टर. मींस मैग्नीट्यूड वाइज दीज टू वेक्टर्स विल बी इक्वल, बट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर, व्हिच इज इंडिकेटेड बाय दिस नेगेटिव साइन. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर व्हिच वी हैव टू स्टडी